कि कैसा दिखता है उपकरण और कैसे वो काम करता है, और जो हम जो थ्योरेटिकली कंसेप्ट लेते हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होते हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। तो सब चीजें इमेजिनरी रहेगी, काल्पनिक। जो चीज हमने नहीं देखी है उसकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं बनेगी, और जब तक इमेज दिमाग में नहीं बनेगी तब तक हम उसको याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिकल क्लास साथ में शुरू की गई थी। तो आप जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक हम कर रहे हैं उनके साथ जितने भी हो पाएंगे कोशिश करेंगे समय के मिलने के अनुसार कि प्रैक्टिकल भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। तो अगर प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड की जाती है तो आप उसको जरूर फोकस करें, आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लस में फिजिक्स में जितने भी अपने अपैरेटस यूज करते हैं वो नियर अबाउट सारे ही धीरे धीरे हम यूज कर लेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचेंगे तब तक। तो वो भी आपके सारे अच्छे तरह से पता रहेगी, फ्यूचर सारे काम आएंगे। अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो भी सेम वैसे ही है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में कि ये क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या ये किस प्रकार से वर्क करता है, क्या इसके यूज है। उसके बाद में फिर हम इसके जो यूज की बात करेंगे वो प्रैक्टिकली बात भी करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इसका उपयोग करते हुए क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विवो मापी की। विवो मापी क्या है? विवो मापी उपकरण है, ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुओं के मध्य विभांतर कहते हैं, विद्युत भाग बल का मान जो है वो आदर्श रूप में बता सकता है, यानी जिसमें त्रुटि जो है वो नगण्य के बराबर होती है, नय के बराबर होती है। जो हम वोल्ट मीटर से रीडिंग मापते हैं उसका खुद का भी प्रतिरोध होता है, इसलिए उसकी जो वैल्यूज है वो इतनी एग्जैक्ट नहीं आती है जितनी एग्जैक्ट इसके अंदर प्राप्त होती है। इसलिए दिन मापने का सबसे महत्वपूर्ण काम तो क्या है, विभांतर को मापना। दूसरा, सेलों की जब विभांतर माप लेंगे तो सेलों की कंपेरिजन भी कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल की बात है कि दो सेलों की तुलना करना कौन सा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा का मतलब कि उसका विद्युत भाग किसका ज्यादा और किसका कम है, तो दूसरे का कितने गुणा ज्यादा है एक पहले से, वो कंपेरिजन करने के लिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ऐसे प्रयोग हम करेंगे। तो उसी से संबंधित है कि विद्युत वाहक बल हम इसी याद कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी प्राथमिक सेल का है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी हम इसमें याद कर सकते हैं कितना जो है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो भी हम बता सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं ये तो इसके उपयोग, अब बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, फिर बात करेंगे किस सिद्धांत में काम करता है। और बनावट में आपको बताया कि थ्योरी के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा पेज भरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जो है अब तक के पिछले पेपर्स भी आप देखेंगे तो सारे कंसेप्ट बेस क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर थ्योरी वाले कुछ टॉपिक भी है तो उसमें भी लिमिटेड पार्ट करके पूछा जाता है, जैसे मीटर सेतु की हमने बात कर ली तो उसमें से क्वेश्चन आएगा तो ये कहा जाएगा कि मीटर सेतु का परिपथ चित्र बनाइए और उसकी कार्य प्रणाली बताइए, तो उसमें कहीं बनावट का जिक्र नहीं किया गया तो बनावट नहीं लिखनी है। शोर्टली कह देंगे कि इसके पहले बनावट बताइए, चित्र नामक की चित्र बनाइए और कार्य प्रणाली बताइए, तो उसमें दे देंगे एक प्लस एक प्लस एक। तो बनावट में एक नंबर में हमें बताना है, तो एक नंबर में तो उसका डायग्राम भी होगा प्लस में उसकी थ्योरी भी होगी, इसलिए बी उसमें जो नॉर्मल जो वैल्यूज है जो यूज करते हैं उनको दिखाई देने हमें, उनके बारे में आपको शोर्ट में जो काम की बात है वो लिखेंगे। बी हो जाए एक बात को चार बार लिखने से कोई हमें कोई मार्क्स वगैरह ज्यादा नहीं मिल पाते। तो यहाँ बनावट की बात करें तो बनावट में क्या होता है, इसमें इसमें भी एक लकड़ी का बोर्ड होता है और उस पर भी एक तार लगी रहती है दो बिंदुओं के मध्य, दो टर्मिनलों के मध्य, ए और बी के मध्य। लेकिन उस तार को नॉर्मली 10 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित का तोड़ा नहीं जाता है, उसको घुमाया जाता है, यानी वो तार की जो लंबाई है वो होती है 10 मीटर और तार एक ही होता है। बायो में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने तार युक्त होते हैं इसके अंदर, तो बच्चे बताते हैं 10 तार युक्त होते हैं क्योंकि वो सामने 10 दिखाई देते हैं, 10 नहीं है वो तार, को क्या है एक ही है, उसकी लंबाई 10 मीटर है, इसलिए अगर उसको सीधा भी करके प्रयोग करेंगे तो भी वही प्रयोग रहेगा, लेकिन सीधा करेंगे तो 10 मीटर कितना 10 कमरे जितनी लंबाई हो जाएगी उसके, इसलिए वहां उसको क्या किया जाता है 1 मीटर की एक तार है उसको फिर आगे ऐसे मोड़ देंगे 2 मीटर की होगी, फिर इधर से घुमा के ले आएंगे एक पत्ती के सारे, फिर इधर से घुमा के ले आएंगे इस तरह से लास्ट पॉइंट तक उसको ले जाएंगे, तो वो 2 बिंदु होते हैं। नीचे एक स्केल जोड़ देंगे लगा देंगे
स्केल लकड़ी का जैसे मीटर से तुम्हें लगा हुआ था उसी के अनुसार उसका जो मान है वो पांचवी तार पर है छठी पर है वो हम प्रयोग में देखेंगे कैसे पढ़ना है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इनिशियली कैसा होता है ये, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी हम यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप खुद अपने आप के हिसाब से लिख लेना। ये लकड़ी का बोर्ड है, ये लकड़ी का बोर्ड है यहाँ अपने पास। तो इसके अंदर देखें तो ये देखें, आप ध्यान से यहां से देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़ा आगे कर दूंगा इसको, ये यहां से देखें तो इसके अंदर ये देखें तार लगे हुए हैं, ये 10 है। ये चार तारों का भी आता है, ज्यादातर हम स्कूलों में जो मंगवाते हैं वो 10 तार वाला मंगवाते हैं, जितनी ज्यादा लंबाई होगी शुद्धता उतनी ज्यादा होगी। चार तार का भी आता है, एक तार से भी किया जा सकता है इसको, लेकिन नॉर्मली कंपनियां जो बनाती है वो ज्यादातर 10 तार का बनाती है, चार तार का भी अवेलेबल होता है। ये दो बिंदु है, यहां से ये वायर यहां से शुरू हुई है और यहां से देखें तो ये जब दिखाई दे रहा होगा ये यहां से ये पत्ती लगी हुई है, इससे ये घूम करके आ रही है वापिस इधर आ रही है, फिर ये यहां से घूम कर ऐसे 10 तरह से घुमा गया। तार एक ही है, लंबाई 10 मीटर है, एक एक मीटर के 10 बार घुमा के इसको जोड़ा गया। ये दो बिंदु है जिनके मध्य परिपथ जोड़ते हैं। परिपथ की बात हम तब करेंगे जब हम उनका यूज पढ़ेंगे कि कैसे प्रयोग किए जाते हैं, उसी में परिपथ की बात करेंगे। ये स्केल लगा हुआ है, इस स्केल से हम मेजरमेंट कर लेंगे पहली तार है दूसरी ये कौन सी तार पर है, तो उसके सामने इस तरह से आप देख सकते हो रख के और इसका मान पढ़ के बता देंगे कि पांचवी तार पर है तो चार तार तो कंप्लीट हो गई, चार तो पांचवी तार पर है तो किधर से इंक्रीज हो रही है, हम इधर से इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर से इंक्रीज ऊपर वाले इंक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाले मान मान लो 40 है तो 40 जोड़ देंगे 440 हो गए। ये प्रैक्टिकली बातें बाद में करेंगे, लेकिन लकड़ी का बोर्ड है ये दिखाई दे रहा है सभी को। इसके अंदर आपको ये लिखना है कि विभव मापी की बनावट में क्या होता है, एक लकड़ी के बोर्ड पर एक 10 मीटर लंबाई की तार को एक एक मीटर के पश्चात घुमाकर 10 भागों में लपेटते हुए इसको दो टर्मिनलों के मध्य ए और बी के मध्य जोड़ा जाता है। इसके नीचे एक स्केल लकड़ी का स्केल लगा रहता है जिससे पाठांक नोट किए जाते हैं, और ये तार कोई मैग्नीम वही तार है जो मीटर ब्रिज में लगा रहता है, मैग्नीम या कॉन्स्टेंट धातु का ये तार यूज इसके अंदर किया जाता है। ये है इसकी बनावट। अब इस बनावट को आप कैसे बनाते हैं कैसे लिखते हैं वो डिपेंड करेगा आपके, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम फिर भी मैं बढ़ा देता हूँ, वैसे वही डायग्राम है कि ये लकड़ी का बोर्ड है, ये लकड़ी का बोर्ड है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहां से यहां स्केल लगा हुआ है, और यहाँ ये इस तरह से घुमाते हैं मैटे जो स्ट्रिप है वो लगी हुई है, यहां से फिर सेकेंड टाइम घुमा देते हैं इसको, यहां से थर्ड टाइम घुमा देते हैं, फोर्थ टाइम घुमा देते हैं, इस तरह से इसको देखना है कि ये 10 मीटर की हो जाए उतनी बार से घुमाते हैं। ये हुए 2 4 6 8 9 गए और ये 10वीं। इस तरह से ये इसकी बनावट, अगर आपको बनावट कहा जाए तो इस तरह से बना सकते हैं आप एग्जाम में कि दो बिंदुओं के मध्य दो टर्मिनलों के मध्य एक 10 मीटर लंबाई की तार को जोड़ा जाता है जिसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा रहता है, 10 मीटर का है इसके मीटर स्केल के अध्ययन से, और ये जो तार है मैग्नीन या कॉन्स्टेंट धातु की बनी रहती है, टर्मिनल ए और बी के मध्य हम परिपथ को संयोजित करते हैं आवश्यकता अनुसार, और एक इसमें भी वही जोकी की जरूरत रहती है, उसी जोकी को क्या करते हैं तार पे चलाया जाता है और वही धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। ये है इसकी बनावट। अब हम इसके अंदर दूसरी बात लेते हैं, इसकी जो कंसेप्ट इसका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरी बात यह है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये
नेक्स्ट बात है सिद्धांत। द्विभावी का सिद्धांत क्या है कि कोई भी चालक है अगर उसमें धारा को कांस्टेंट कर दिया जाए, करंट को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस चालक के कितनी भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का जो मान है वो उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इन शॉर्ट वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L व्हेन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका सिद्धांत है। आप इसको थ्योरी में लिख सकते हैं कि नियत धारा पर किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान उस चालक की लंबाई के उन बिंदुओं के मध्य की लंबाई के समानुपाती होता है। हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है प्रूफ। अगर पूछ ले एक बार आपका प्रूफ के भी देखिए आपसे कि प्रूफ करना हो तो नॉर्मल लेकर चल रहे हैं बात को, सी ओम का नियम लेकर चल रहे हैं। इसमें ओम के नियम से क्या है, ओम का नियम V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब हमें सारी बातें तो कंसेप्ट जितनी बातें पढ़ ली वो सारी पता होनी चाहिए, हम उनका यूज करते रहेंगे साथ साथ डायरेक्ट। हमें पता है प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार के अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई की विद्युत के समानुपाती होता है। तो R इज इक्वल टू क्या लेते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। R is directly proportional to L and inversely proportional to A, then R is equal to rho into L upon A. Rho is a constant resistivity of wire of a conductor. तो यहाँ R की वैल्यू क्या पुट करना है, यहाँ R is equal to rho into L upon A. ये पुट करते हैं, V is equal to क्या जाएगा, I rho into L upon A. अब देखो तार की बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे अभी हमने एग्जांपल ये अभी बोर्ड देखा इसके अंदर के अंदर, तो वही है ये प्रकार। इसके अंदर क्या है, तार की अगर यहां से हम चल रहे हैं तो यहां से यहां तो देखेंगे लंबाई कितनी है, यहां तो देखेंगे लंबाई बढ़ गई, यहां तक और आ जाएंगे तो लंबाई बढ़ गई, लेकिन कहीं पर भी इसकी मोटाई में परिवर्तन नहीं हुआ है। वो तार यूज किया जो शुरू से लास्ट तक एक ही तार है, इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में इसकी मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि सामान्य हम देखते हैं घरों में भी हम वायर काटते हैं फिटिंग के लिए, तो एंड एक जैसी आती है, बंडल आते हैं पूरे बंडल की मोटाई एक जैसी रहती है, लंबाई हमें जितनी जहां जितनी यूज कर रही है उतनी हम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्यों हमने मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि आपको ये पता चल जाए ए क्यों कॉन्स्टेंट है। एक है एरिया क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरी बात रो क्या है, प्रतिरोधक का विशिष्ट प्रतिरोध, जो किसके निर्भर करता है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये जो बदलता है जो पदार्थ बदलता है, तो तार तो वही है, तो उसके अंदर हर जगह वही मेटीरियल लगा हुआ है, इसलिए रो भी क्या है कॉन्स्टेंट है, दो वैल्यू कॉन्स्टेंट। तीसरी चेंज हो सकती है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी कि हमें इसको क्या करना है, यहां कॉन्स्टेंट रखना है, करंट को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीसरी बात भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गए, इसीलिए क्या वैल्यू बची है, लंबाई कॉन्स्टेंट नहीं है। हम जब जो कि इसको चला रहे हैं इंटर ब्रिज में भी हमें देखा, जो कि हम चला रहे हैं तो लंबाई इंक्रीज हो रही है, इसमें भी वही बात है, जैसे जैसे हम ज्योती को तार पे चलाएंगे वैसे वैसे उसकी लंबाई क्या मिलेगी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यहां आने के बाद ये लिख सकते हैं I रो अपॉन A, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको आप K भी लिख सकते हो। तो यहां V इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू L, यहां K क्या है, यहां K नियतांक है, अभी K की बात भी हम कर लेंगे नियतांक है। तो यहां से एक बात क्या सिद्ध होगी, V समानुपाती L, और ये इसका क्या है, ये इसका सिद्धांत है। तो आप इसे शॉर्ट में बता सकते हैं, इसे प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजी वे में, दो स्टेप के अंदर कर दिया हमने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि विभवांतर लंबाई ये समानुपाती होता है, लेकिन आपको कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमें सेल चेंज नहीं करना है, करंट चेंज नहीं करना है, करंट चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है। इसलिए इसके लिए कंडीशन है कि नियत धारा पर किसी चालक में
दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब बात कर लेते हैं के यहां क्या है। समीकरण दो में देखें तो समीकरण दो से एक कंसेप्ट आएगा इसका, वो आप ध्यान रखिए। समीकरण दो से के इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन एल। और ऐसी बात हम पहले देख चुके हैं, वी का मात्र क्या वोल्ट और इसका मात्र क्या है मीटर। तो इसे क्या कहते हैं, यहां के जो है के को कहते हैं विभव परवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये वर्ड आपने सुना है 100% पीछे, विभव परवणता। विभव परवणता क्या है, विभव में परिवर्तन की दर किसके रेस्पेक्ट में, लंबाई के रेस्पेक्ट में, और वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्र होता है तीव्रता का। तो ये विभव परवणता किसको व्यक्त कर रही है, तीव्रता को ही व्यक्त कर रही है। यानी यहां पर ये जो नियतांक है वो किसको व्यक्त कर रहा है, विभव में परिवर्तन लंबाई के सापेक्ष। इस बात का ध्यान रखें, ये वही वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन करें तो आप में E इज इक्वल टू वी बी अपॉन एल लिखा। तो इस तरह से यहां से अपने पास K की वैल्यू आ गई है बी अपॉन एल, के यहाँ विभव प्रवणता विभव में परिवर्तन की दर लंबाई के सापेक्ष। तो आपको ये विभव प्रवणता मात्र पूछ लिया जाए या ग्राफ पर नहीं लिखा जाए तो हम इसके लिए ध्यान रखें, मात्र पूछ लें या विमा पूछ लें तो यहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये दो बातें बातें होगी, इसमें विभवमापी क्या कार्य करता है, दूसरी बात विभवमापी बनावट क्या है, तीसरी बात विभवमापी का सिद्धांत क्या है। इतनी बातें हमने कर लिए थे डीएलई। अब आगे हम बात करेंगे विभवमापी के उपयोग। तो विभवमापी का मुख्यतः प्रैक्टिकली में भी और हमारे थ्योरी के सिलेबस के अनुसार भी दो अनुपयोग है इसके। पहला अनुपयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा है किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ये इसके अंदर दो बातें हैं हमारे पास, यहां इनको हम सोल्व करेंगे और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले हम इसकी थ्योरेटिकल बात करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, कैसे परिपथ बढ़ाते हैं, हम उसको थ्योरेटिकली समझेंगे कैसे उसका डायग्राम है, कैसे उसकी कैलकुलेशन है, और फिर अगर टाइम रहा और देखेंगे हो सका तो पॉसिबल रहा तो इसके हम एक्सपेरिमेंट वीडियो जो है वो भी बना के डाल देंगे, वो जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी नेक्स्ट जो है वो दोनों टॉपिक अगले टॉपिक रहेंगे हमारे, तब तक उससे पहले आपको ये वीडियो मापने के बारे में कंसेप्ट डायग्राम वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज कर दें, जो भी पढ़ते हैं उसको लिख के जरूर देखेंगे आप, कम से कम रफ कॉपी में एक या दो बार आपने पढ़ लिया समझ लिया फिर आप उसको जरा देखें, अपने आप अपनी लैंग्वेज में करके जरूर देखें। लैंग्वेज का कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो सही होने चाहिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और तैयारी जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।